आज जो डेट है वो है 22 मार्च 2024, और यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज की डेट में लाखों की संख्या में जो पात्र छात्र हैं, जो जिनका फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है, जिनके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, बैंक बिल्कुल ओके है, तो लगभग 3.7 लाख ऐसे बच्चे हैं जो मतलब इस दायरे में आते हैं, और उनका पैसा आज शाम तक उनके खाते में भेज दिया जाएगा डायरेक्टली APBS प्रणाली के थ्रू। PFMS में वक्त लगता है, APBS प्रणाली के थ्रू पैसा भेजा गया 2 घंटे में आपके खाते में। ऐसा सारी चीज़ों को बताऊंगा, उसके साथ साथ फ्रेश रिन्यूअल प्लस दो अलग कैटेगरी के काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आज प्रायोरिटी दी जाएगी छात्रवृत्ति के मामले में, सारी चीज़ों को कवर करूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ बैंक ऑफ इंडिया का 14,600 रुपये अलग अलग छात्रों का बहुत ज़्यादा PFMS पे अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा था, तो उन बच्चों का APBS प्रणाली के थ्रू पैसा जो है वो खाते में 21 तारीख की शाम को, यानी कि 21 तारीख को क्रेडिट हुआ। आप देख सकते हैं 21 तारीख यानी कि जो बीता हुआ कल था उसकी डेट में ये क्रेडिट हुआ, और मैं आपको लाइव स्क्रीन शॉट चीज़ें दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ कि देखो पैसा जो है PFMS पे जिनका अंडर प्रोसेसिंग था उनका आज शाम तक हर हाल में उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। बाकी जो पात्र छात्र हैं उनके खाते में भी 22 तारीख है, इसके पहले वाले वीडियो में कल की वीडियो में बता रखा है, सर्कुलर भी DW की तरफ से स्पष्ट रूप से है कि देखो पैसा 22 तारीख तक हर हाल में भेज दिया जाएगा। तो ये पैसा जो है वो आज शाम तक इन तमाम सारे छात्रों के खाते में भेज दिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके PFMS पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि बोथ अकाउंट एंड आधार आर इनवैलिड या फिर कोई ऐसी समस्या, तो ये उन्हीं के साथ हो रहा है जिनका अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि आपको स्कॉलरशिप आपको मिलनी है 32,000-34,000, आपको दिखा रहा है 64,000-65,000। बच्चों का तो लाखों में स्कॉलरशिप दिखा रहा था तो उनका रिजेक्ट हो गया, ऑब्वियस सी बात है इतनी स्कॉलरशिप आती नहीं तो रिजेक्ट हो गया, दोबारा से भेजा जाएगा, बिल्कुल हताश नहीं होना है। बाकी का अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लगभग 70% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोज़ रेगुलर देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि भाई चैनल पे आपको वीडियोस देखना ही है तो सब्सक्राइब करके देखो, और पैसा तो अब तक आ ही गया होगा, नहीं आया तो बहुत जल्द आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहले भी कह रखा था कि ब्लॉक एज पर हाई स्कूल, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी त्रुटि हो और आप अगर उस पर एक्शन नहीं लोगे तो नतीजा ये होगा कि आखिरी लम्हों में आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही, ब्लॉक कर दिया गया इनके फॉर्म को। कक्षा 10वीं के रिजल्ट में थोड़ा सा लोचा था, CBSE बोर्ड से थे और इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर, यूपी स्कॉलरशिप का अपडेट पाना है या फिर आपको PFMS पे स्टेटस देखना है तो सिंपली CMHelper.in टाइप करके सर्च कर देना है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2023-24 इस वाले इंटरफेस पे क्लिक करना है, आपको नया पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना स्टेटस तो देख लोगे, अगर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो आप PFMS पे अपना पैसा भी चेक कर सकते हो, सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है और आपको अपना अकाउंट का नाम और अकाउंट नंबर टाइप करके वर्ड वेरिफिकेशन के साथ चेक कर लेना है कि आपका PFMS पे स्टेटस जारी हुआ कि नहीं, आपका पैसा भेजा गया कि नहीं। और प्रस्तुत नहीं किया ना कॉलेज में ना DW में, और हुआ ये नतीजा कि इनके फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। ये तमाम सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, लगातार छात्रों के साथ ये दिक्कत ये समस्याएँ जो हैं वो आ रही हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कमेंट्स को मैंने पिक कर लिया है, मेरी BEd सेकेंड ईयर का फॉर्म है, फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम 800 की जगह 400 फिल हो गया था, मेरा करेक्शन नहीं कर पाए, प्लीज़ आएगा कि नहीं। देखो अगर फॉर्म वेरीफाई हुआ तो आएगा वरना नहीं आएगा। भाई आज मेरा आ गया, अलग अलग छात्रों का कहना है कि आज हमारा इवनिंग में आ गया, सब मेरी बी फॉर्म थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप आ गई, सबका आ जाएगा धीरे धीरे, आज तो ताबड़तोड़ जो है वो पैसा भेजा जाएगा। और जिनका भी पैसा आता है आप फटाक से कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्रकाश दुबे 11 इंस्टा आईडी है, और स्क्रीनशॉट ज़रूर से सेंड करना आपका जो भी अमाउंट आया हो। बाकी का चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्कॉलरशिप आने के बाद तो कर ही दोगे लेकिन पहले से कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुँच सके कि आज छात्रों की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ,
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।